दोस्तों होली आ गई है और होली बिना दही भल्लों के इनकम्प्लीट है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही फटाफट से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने 1 रात पहले भिगा दी है ये 1 कप उड़द की दाल। ये भीग गई है तो मैंने छान के इसको छलनी में मिक्सी में डाल दिया है और आधी कप मूंग की दाल वो भी मैंने रात भर भिगाई है और उसको भीगने के बाद पानी निकाल के मिक्सी में डाल दिया है और इसको मैं मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करने वाली हूँ। देखिए ये ग्राइंड हो गई है। स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसका, काफ़ी स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और एक्स्ट्रा पानी जितना कम हो सके उतना कम डाल के आप इसको पीसिएगा। एक बड़े बाउल में इसको निकाल लीजिए और उसमें डालिए ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया पत्ता, फ्रेश धनिया, थोड़ा सा नमक डालिए और ज़रा सा एक चुटकी खाना सोडा डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्सिंग करते समय देखिए मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में रखिएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे मत करिएगा, एक ही डायरेक्शन में इसका मूवमेंट रखिए। ये इस तरीके के फ्लो में बन जाएगा। इसके बाद ये मिक्सचर, ये बैटर रेडी है दही भल्ले का पकौड़िया बनाने के लिए। क्योंकि उड़द दाल हाथ में चिपकती है, ज़रा सा पानी हाथ में लगा लीजिए और फिर छोटी छोटी बॉल्स बनाकर गरम तेल में डालिए। गैस मीडियम हाई रखिएगा, बहुत हाई मत रखिए क्योंकि अंदर से कुक होना भी इसका ज़रूरी है। और ओवर क्राउड मत करिए, तेल में ज़्यादा पकौड़ियाँ एक साथ मत डालिए क्योंकि इनको अच्छे से क्रिस्प होने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए पड़ता है। तो बस इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। देखिए ये फ्राई हो भी गए हैं। गोल्डन कलर की ये दिखेंगे, होने के बाद ये निकाल लीजिए इनको बाहर। अच्छा, एक बड़े बॉल में लीजिए आप 1 ग्लास के करीब पानी, उसमें डालिए नमक, हींग, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और जो हमने ये वड़े बनाए हैं उसको इसमें हमें भिगाना है, आधा घंटा करीब हमें भिगाना है, तो भिगा दीजिए। बस इन्हें डाल के आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तब तक हम अपना दही रेडी करते हैं दही भल्ले में बनाने के लिए। तो दही के लिए दही लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच पीसी हुई शक्कर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हो जाना चाहिए। तो देखिए ये स्मूथ होने लगा है, स्मूथ हो जाएगा फटाफट से। आप इसे अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और ये रेडी है। बढ़िया, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए भल्ले को हमें पानी से निकालना है, हल्का सा हथेलियों के बीच में रख के प्रेस करके ज़रा पानी निकाल देना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, वो पिचक जाएंगे, और उन्हें प्लेट में रख लेना है। अब ये दही भल्ले हैं तो दही तो इसमें बहुत सारा लगने वाला है, तो आप इसको ऊपर से दही डालिए। भुना हुआ जीरा, फ्रेशली भुना हुआ जीरा डालिए, लाल इमली की चटनी, हरी चटनी पुदीने की, ये बहुत अच्छा बनता है। और नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये होली के समय बनाने के लिए। ज़रूर, ऑलमोस्ट ज़रूर हर एक घर में ये दही भल्ले बनते हैं होली के दिन मेहमानों को खिलाने के लिए। तो इसमें मैंने जीरा पाउडर डाला है और चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी बूंदी डाली है और इसमें मैंने चटनियाँ दोनों तरह की डाल दी हैं। और देखिए कितना लाल मिर्च पाउडर डालिएगा, कितना अच्छा बना है ये, देखने से ही खाने का मन कर रहा है। इसे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनता है दही भल्ला। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा बनेगा और गेस्ट आपकी तारीफ़ करते हुए थकेंगे नहीं। तो ज़रूर बनाइएगा दोस्तों दही भल्ले की ये रेसिपी।
और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपके दही भल्लों को कितना अप्रिशिएशन मिला। डेफिनेटली अप्रिशिएशन तो ज़रूर मिलेगा आपको, अपने अपने हाथों का टेस्ट आला होगा इसमें। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो मस्त रहो, बाय बाय।